सो हेलो एवरीवन दोस्तों, और एक वीडियो मैंने बनाया था थ्रेड्स को लेकर के। थ्रेड्स जो एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो मार्क जुकरबर्ग का है, और अभी इसके बहुत ज़्यादा जो है यूज़र बढ़ गए हैं, कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, चैट जीपीटी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, और अभी अभी तो सुनने में आया कि भाई 70 मिलियन इसके यूज़र अभी से हो गए हैं। तो इसमें मुझे कुछ क्वेश्चन आए थे भाई ये कि भाई इससे हमें क्या फ़ायदा है, इससे क्या होगा। देखिए मैं एक्चुअल में रियल मोटिवेशन की वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें बताता हूँ कि टेक्नोलॉजियाँ कैसे काम करती हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चन ये भी आए कि भाई इससे जो है इतने सारे यूज़र आ रहे हैं तो पर हमारा जो है अभी तक कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में गया नहीं है, या प्रोडक्ट जो है मार्केट के लिए ओपन ही नहीं हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने देखिए बिना कुछ बताए इतने सारे यूज़र लिया। बिल्कुल आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लोगों का यहाँ पे ये सवाल था कि देखिए हमारा ओनेट जो है ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारे और भी प्रोडक्ट है जो आ रहे हैं यहाँ, लेकिन आप एक चीज सोचिए कि जब इन लोगों ने, जैसे आप देख रहे हैं कि थ्रेड्स है और जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी, वो पहले से कहीं ना कहीं जो है इनके प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है, इस वजह से क्या हो रहा है कि इनके जो यूजर है, जैसे इंस्टाग्राम है मान के चलिए, जैसे थ्रेड्स है, थ्रेड्स पर जो इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक है ऑलरेडी, जैसे मार्क जुकरबर्ग का ये ऑलरेडी पहले से प्लेटफॉर्म मौजूद था, उसके थ्रू फिर यहाँ पे यूजर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आना इसके शुरू हो गए थ्रेड्स के ऊपर, तो इस वजह से जो है इसमें यूजर अचानक से बढ़ने लगे। अब सवाल ये आता है कि भाई हमारे पास जो है ऑन पैसिव में जो है यहाँ पर देखेंगे कि अभी जब हमारे प्रोडक्ट रेडी नहीं हुए हैं मार्केट के लिए, तो इसमें कैसे यहाँ पे मिलियन बिलियंस ऑफ यूजर आएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, एक बहुत अच्छी बात है, हम सब ये जानते हैं कि हमारा जो है ऑलरेडी कहीं ना कहीं 1.4 मिलियन लोग ऑलरेडी हम यहाँ पे पहले से मौजूद हैं, लेकिन अभी हम मार्केट के लिए तैयार नहीं हुए हैं, मतलब मार्केट के हमारा अभी प्रोडक्ट जाना को रेडी तो हो चुका है पर अभी आया नहीं है, राइट। तो यहां पर ये सवाल था लोगों का कि भाई ये जो है मिलियन बिलियन यूजर तो आएंगे लेकिन इतना टाइम लगेगा, जब तक तो हम क्या कर पाएंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है यहां पर कि मिलियन बिलियन यूजर दूसरी जो सोशल मीडिया साइट है और यहां पर लोग आ रहे हैं, हम सिर्फ देख के खुश हो रहे हैं, लेकिन इसका पूरा बेनिफिट किसको मिलता है, इसका पूरा बेनिफिट इन्हें मिलता है जो भाई यहां पर इसका CEO है या बोले CEO है, जो भी है इसके जो मेन ओनर है वहां पर सारा बेनिफिट ले लेते हैं। भाई देखिए बहुत सारी चीजें हैं, देखिए मार्केट में बहुत सारे जो एक्टिविटियां चलती हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग है, अभी इन्हें पूरा बेनिफिट किसको जाएगा, इसके शेयर कुछ जो है बेनिफिट कुछ लोगों को होगा, लेकिन यहां पर मैक्सिमम फायदा किसको होना है, भाई मार्क जुकरबर्ग या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाते हैं उनको यहां पर इसका बेनिफिट होता है। लेकिन आप सोचिए कि आने वाले दिनों में जब ऑन पैसिव जो मार्केट के लिए हमारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, सपोज ओ कनेक्ट ही आ गया, या फिर फ्यूचर में ओ नेट और भी ज्यादा स्मूथ चल के जब मार्केट में पूरी तरह से रेडी होकर के आ जाएगा, तो सोचिए कि यहां पर यूजर जो है, हालांकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मौजूद है लेकिन हमारे प्रोडक्ट का बेनिफिट हमें मिलेगा, ये सबसे अच्छी बात है, जो कि दूसरी जो कंपनियां हैं वो अपने बेनिफिट के लिए करती हैं। तो सोचिए यहां पर जब यहां पर 1.4 मिलियन हमारे ऑलरेडी लोग यहां पर मौजूद हैं, उनके यहां पर रेफरल लिंक्स मौजूद हैं, तो जब वो सिंगल तरीके से जो उन्होंने किया है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्होंने अपना प्रमोशन अपने तरीके से किया है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि प्रमोशन के लिए यहां पर ऑलरेडी कंपनी जो ऑन पैसिव मौजूद है, लेकिन इसके अलावा जो है हमारे 1.4 मिलियन लोगों की जो रेफरल लिंक्स यहां पे होंगे वो भी जो यहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करेंगे। तो यहां पर आने वाले दिनों में मिलियन नहीं बिलियन नहीं बल्कि आने वाले बहुत दिनों बाद आप देखेंगे कि इतने सारे इंटरनेट यूजर हैं तो ट्रिलियन में भी बात भाई हो सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मिलियन बिलियन और ट्रिलियन का जो चक्कर है बहुत बड़ा होता है, और कई कंपनियां जो ट्रिलियन ट्रिलियन में बिजनेस कर रही है, राइट, लेकिन उसका बेनिफिट जो है किसी एक आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऑन पैसिव में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो सिंगल प्रोडक्ट अगर वो कनेक्ट ही आ गया और यहाँ पे बिलियंस ऑफ मिलियन और बिलियन लोग जो भी आ गए, तो आप सोचिए कि कितना यहाँ पर जबरदस्त होने जा रहा है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसका बेनिफिट जो है सिर्फ कंपनी नहीं लेगी, ऑन पैसिव ही नहीं, इसका बेनिफिट जो सबसे ज्यादा होने वाला है वो एक आम जनता को, आम पब्लिक को होने वाला है, जो कि दूसरे लोग आपको कभी भी नहीं देने वाले हैं। तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भाई कई लोग बोलते हैं फिर तो आप दूसरी कंपनियों का भी प्रमोशन करते हो, ये कहते हो भाई प्रमोशन नहीं है, मैं रियल मोटिवेशन की वीडियो लाता हूँ जिसमें हम टेक्नोलॉजी को समझते हैं, राइट, टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है इसको समझते हैं, और प्रमोशन किसी चीज का नहीं किया जाता। देखिए जो कंपनी अच्छी होती जो अपने लेवल पे काम करते हैं और अपना प्रमोशन करके आगे आती है, तो भाई उनका करने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन आप जानते हैं कि कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे थ्रेड्स को ही मान लें, तो अभी इसको लेकर के भी बड़े उठापटक चल रही है मार्केट में, अगर आप स्टडी करेंगे देखेंगे तो ट्विटर से कहीं ना कहीं उसका पंगा चल रहा है। तो इसका वजह क्या है कि भाई कहीं ना कहीं ये लोग जो है कॉपी पेस्ट का भी काम करते हैं, मतलब इसका बिजनेस उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसकी जैसी कॉपी कर ली, लेकिन ऑन पैसिव टोटल 100% रियल है, ये सबसे अच्छी बात है। ऑन पैसिव जो है किसी का जो है कॉपी नहीं करता है, किसी कॉपी पेस्ट पर काम नहीं करता है, इसलिए हम लोग रियल है दोस्तों।
और रियल चीज जब मार्केट में आती है तो उसका अपना ही एक वैल्यू होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए एप्पल का, एप्पल एक रियल कंपनी है, ये किसी की कभी कॉपी नहीं करती है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा टॉप पर है। और अगर कोई कॉपी पेस्ट करता है तो वो बिजनेस ज्यादा लंबा नहीं चलता है, आगे ना आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, उसे लॉस उठाना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए कि हम एक रियल कंपनी है, ऑन पैसिव एक रियल कंपनी है, यहाँ पे सारे रियल फाउंडर हैं, यहाँ पे सारे रियल कस्टमर हैं, यहाँ पे सारा जो भी हो रहा है मार्केटिंग वो रियल हो रहा है, तो सारी चीजें जब यहाँ पर रियल हो रही है भाई, तो यहाँ पर ट्रैफिक भी जो रियल बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टारगेटेड ट्रैफिक आने वाला है। और टारगेटेड ट्रैफिक अगर यहाँ पर आएगा तो आप सोचिए कि कितना यहाँ पर बिजनेस बनने वाला है, ये मिलियन बिलियंस में जाने वाला है, यहाँ पर मिलियंस यूजर हमारे नीचे आएंगे, सारा जो है जितना भी बिजनेस जाएगा वो हमारे फाउंडिंग मेंबर के थ्रू ही जाने वाला है। तो सोचिए कितना ट्रैफिक आपके नीचे यहाँ पर आएगा, तो भाई मिलियन बिलियन में यहाँ पर जब ट्रैफिक जनरेट होगा रेवेन्यू कितना यहाँ पे बनने वाला है। और जो रेवेन्यू बनेगा वो ऑन पैसिव उन लोगों की तरह नहीं है, उन कंपनियों की तरह नहीं है जो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए सोचते हैं, यहाँ पर अगर इनका ऑन पैसिव का भी रेवेन्यू बनता है तो वो कहीं ना कहीं जो हम फाउंडिंग मेंबर्स में भी कहीं ना कहीं जा रहेगा। तो कितनी अच्छी बात है दोस्तों, इस तरह से आप सोचिए कि जब यहाँ पे मिलियन बिलियन यूजर आएंगे तो आपके नीचे अगर वो आते हैं तो कितना बड़ा यहाँ पर काम होने वाला है। तो भाई रेवेन्यू की बात तो छोड़ दीजिए, हर साल हर दिन हर महीने कुछ ना कुछ यहाँ पर होता रहेगा, बस ये जो ऑन पैसिव है ना उसको आप दिल से अपनाने की कोशिश करिए। अगर आप उसको दिल से अपनाएंगे तो आपके पास कोई सवाल नहीं, वैसे तो ऑलरेडी आप सब लोग दिल से अपना चुके हैं, तो भाई पेशेंस रखिए, बहुत कुछ होने जा रहा है।